नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शारदीय नवरात्रि की हुई शुरुआत। 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की होगी आराधना। 12 अक्टूबर को नवरात्र का होगा समापन। आम लोगों के लिए खुला देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर। रात में लाइटिंग से आकर्षित होंगे पर्यटक। दिन की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेरता आएगा नजर। बाढ़ की आपदा के बीच सिविल सर्जनों को मिले निर्देश। पर्याप्त हो बोट, एम्बुलेंस और दवाओं की उपलब्धता। 104 कॉल सेंटर भी इस आपदा में रहेंगे सक्रिय। बिहार में जमीन सर्वे के बीच नया अपडेट। सर्वे का काम होने के साथ जारी हो रहा नक्शा। ऑनलाइन मानचित्र देख सकेंगे रैयत। फर्जी एक्ट्रेस मिथिलेश का हुआ खुलासा। वायरल हुए वीडियो के बाद मिथिलेश ने खूब बटोरी थी सुर्खियां। अब जमुई पुलिस ने किया पर्दाफाश। त्योहारों में ट्रेन से घर आने वालों के लिए जरूरी टिप्स। अनजान ब्रोकरों से रहे सावधान। IRCTC की ऐप या वेबसाइट से ही कटवाएं टिकट। जसप्रीत बुमराह बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। यह स्थान प्राप्त करने वाले बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज आज से। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। RRB ने रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 14,298 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। इस आवेदन के लिए उम्मीदवारों को rrbcdg.gov.in पर जाना होगा। वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवार के ने BE, BTEC या BSc इंजीनियरिंग किया हो। वहीं ग्रेड 3 के पद के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 12 अक्टूबर को इसका समापन होगा। हर साल नवरात्र की शुरुआत अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ होती है। 9 दिनों तक अलग अलग दुर्गा माँ के स्वरूपों की आराधना होती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु कलश स्थापना करते हैं। इसके बाद ही माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू होती है। मान्यताओं के मुताबिक शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना में सुख समृद्धि का वास होता है। बीते दिन गांधी जयंती के अवसर पर पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का सीएम नीतीश ने उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद अब बापू टावर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बापू टावर में एंट्री फी 50 से 100 रुपये होंगे। वहीं बाइक और कार पार्किंग के लिए 10 से 20 रुपये लिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अपनी तरह का ये देश का पहला ऐसा भवन है जिसे 35 टन तांबे से बनाया गया है। रात में लाइटिंग से बापू टावर सोने की तरह चमकता दिखाई देगा और पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तांबे से बने इसकी दीवार से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया जब होगी तो यहां से इंद्रधनुषी रंग दिखाई देंगे जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगे। अब आप आसानी से हर घर नल का जल योजना से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पेयजलापूर्ति के अनुश्रवण, मरम्मति एवं संपोषण संबंधित अपनी शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने के लिए आप 1800-123-1121 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए 8544-4429024 पर जा सकते हैं। यहाँ मैसेज के दौरान वार्ड संख्या, गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, शिकायत के प्रकार, शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता का दूरभाष संख्या की जानकारी जरूर दें। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को बाढ़ के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा की, जिसमें बोट, एम्बुलेंस और दवाओं की आवश्यकता उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बाढ़ के बाद महामारी के से बचने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने और गर्भवती महिलाओं व नवजातों का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया है। दरभंगा जिले के प्रखंडों पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जिसमें 15 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। 104 कॉल सेंटर भी बाढ़ अवधि के दौरान सक्रिय रहेंगे।
बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच कई नए आदेश जारी हो रहे हैं। जैसे जैसे भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो रहा है, वैसे वैसे नक्शा जारी किए जा रहे हैं। नक्शा जारी होने से भू मालिक आसानी से सर्वे का मानचित्र ऑनलाइन देख सकेंगे। बिहार जमीन सर्वे का मैप भू मालिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए जिला उप प्रभाग सर्किल मौजा सर्वेक्षण प्रकार मानचित्र उदाहरण सीट संख्या की जानकारी देनी होगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को मुजफ्फरपुर के औराई में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा था, तभी नया गांव के वार्ड 13 में ये हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर पानी में गिरा, हालांकि उसमें मौजूद 2 पायलट और 2 जवान सुरक्षित हैं। हादसे के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों की मदद से SDRF और NDRF की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बताया गया कि हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचाने में लगा था, तभी जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया है। पायलट ने इसकी जानकारी दी थी। सूझबूझ से पायलट ने पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। जवानों को मामूली चोट आए हैं, हम उन्हें सम्मानित करेंगे। भारतीय रेलवे ने नवरात्रि के पावन अवसर पर व्रत रखने वाले यात्रियों के लिए खास व्रत थाली की व्यवस्था की है। IRCTC ने देश भर के 400 प्रमुख स्टेशनों पर शुद्ध शाकाहारी और व्रत वाली थाली उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यात्री बिना लहसुन प्याज वाला भोजन अपनी सीट पर ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1323 पर कॉल करना होगा। इस व्रत थाली में आलू चाप, साबूदाना टिक्की, साबूदाना खिचड़ी, पराठे, पनीर मखमली, फल कुट्टू के आटे के पकवान और मिठाई शामिल है। कीमत 100 से लेकर 250 रुपए तक के बीच में होगी। सभी भोजन सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे व्रतधारी यात्री सफर में शुद्ध और सात्विक भोजन का आनंद ले सकें। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे गोपालगंज की। ये बिहार का जिला सारण से अलग होकर बना था। इस जिले में अधिकतर पर्यटन स्थल धार्मिक है। गोपालगंज के धार्मिक स्थलों की काफी मान्यता भी है। इसमें थावे मंदिर, श्री पीताम्बरा पीठ और लकड़ी दरगाह शामिल है। इन धार्मिक स्थलों के अलावा एक प्राचीन स्थल दिघवा दुबौली भी है। यहाँ 2 असाधारण पिरामिड आकार के ढांचे देखने को मिलेंगे। यदि आप कभी गोपालगंज जाते हैं तो इन स्थानों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। पूर्णिया रेंज के IG शिवदीप लांडे ने बुधवार सुबह अचानक कटिहार के विभिन्न थानों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान IG ने नगर थाना, सहायक थाना और यातायात थाना के कई क्षेत्रों का दौरा किया और आंबेडकर कॉलोनी में लोगों से बातचीत की। लगभग 2 घंटे तक सड़कों पर घूमने के बाद उन्हें कहीं भी पुलिस की मुस्तैदी नजर नहीं आई, जिससे वे नाराज हो गए। IG ने कहा कि गश्ती के लिए सुबह निर्देश दिए गए थे, लेकिन नगर और सहायक थानों की ओर से कोई खास गतिविधि नहीं दिखी। इस निरीक्षण के परिणाम स्वरूप 3 थानों के थानाध्यक्षों पर कार्रवाई करने की संभावना जताई जा रही है। मालूम हो कि सरदीप लांडे अपने सख्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं और युवाओं के बीच सिंघम उन्हें कहा जाता है। त्योहारों का सीजन 3 अक्टूबर नवरात्र के साथ शुरू हो रहा है, जो दिवाली और छठ तक चलेगा। इन पर्व त्योहारों के दौरान लोग घर लौटते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। दिवाली पर या अन्य त्योहारों में हर किसी को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और लोग अक्सर ब्रोकर की मदद लेते हैं। ऐसे में अनजान ब्रोकरों पर भरोसा ना करें। हमेशा भरोसेमंद ब्रोकर से संपर्क करें या खुद तत्काल टिकट बुक करें। फेक ऐप और वेबसाइट से बचें। हमेशा IRCTC के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही टिकट बुक करें। इसके अलावा रेलवे के कस्टमर केयर के लिए सही हेल्पलाइन नंबर 139 है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अनजाने लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि ये ठगी का कारण बन सकते हैं। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 4 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी लगभग 3,000 सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग जल्द ही आयोजित की जाएगी, जिसकी अधिसूचना BCEC द्वारा जारी की जाएगी। राज्य में कुल 13,675 सीटें हैं, लेकिन पहले 2 राउंड में सिर्फ 6,420 सीटों पर नामांकन हो सका, जो 46% है। इसके बाद PCM ग्रुप की परीक्षा के माध्यम से 2 और राउंड किए गए हैं, लेकिन फिर भी सीटें नहीं भरी जा सकी। छात्रों में सरकारी कॉलेजों के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है, जबकि बेहतर सुविधाएँ और प्लेसमेंट के बावजूद नामांकन की स्थिति सुधार नहीं हो पाई है। अब स्पेशल राउंड के जरिए खाली सीटों पर नामांकन करवाया जाएगा। मेटा के पास व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय ऐप्स हैं। व्हाट्सएप पर लोग इंस्टेंट मैसेज भेजते हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर फोटो, वीडियो और रील्स शेयर करते हैं। अब मेटा जल्द ही व्हाट्सएप पर भी रील्स फीचर लाने की योजना बना रहा है। इस फीचर के जरिए आप व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम की रील्स देख सकेंगे। शुरुआत में रील्स की संख्या कम होगी, लेकिन भविष्य में ये बढ़ सकती है।
रील्स देखने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा, फिर नीले गुलाबी रिंग पर क्लिक करके चैट बॉक्स में सोमी इंस्टाग्राम रील्स लिखें। खास अकाउंट की रील्स देखने के लिए मुझे उस अकाउंट का नाम लिखकर रील्स दिखाओ टाइप करें। ये फीचर जल्द ही उपलब्ध हो सकता है। अभी हाल में ही बिहार में फर्जी आईपीएस बनकर पुलिस वर्दी में घूमने वाले मिथिलेश कुमार का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में था, लेकिन अब इस मिथिलेश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जमुई पुलिस को पता चला कि मिथिलेश को अभियुक्त बनाकर जब जांच की गई तो इसकी कई बातें झूठे निकली हैं। पुलिस ने बताया कि मिथिलेश ने किसी मनोज सिंह को आईपीएस बनने के लिए 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं और ना ही उसने अपने मामा से 2 लाख रुपए लिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मिथिलेश ने बताया था कि उससे 2 लाख रुपए लेकर खैरा के किसी मनोज सिंह ने अपने पुलिस नौकरी दी है, उसे वर्दी पहनाई थी। फिल्म सूरज पे मंगल भारी पर एक बार फिर से रिलीज होने जा रही है, जो 18 अक्टूबर को दर्शकों के सामने आएगी। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगी। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित ये हल्की फुल्की कॉमेडी दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। फिल्म की पहली रिलीज महामारी के बाद के समय में हुई थी, जब थिएटर धीरे धीरे खुल रहे थे। उस चुनौतीपूर्ण समय में भी दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया था। अब जी स्टूडियो पर इसे फिर से रिलीज करने की तैयारी है। बिहार में मॉनसून पहले से कमजोर पड़ा है, हालांकि अभी भी मॉनसून का असर बना हुआ है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम को लेकर मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। बरौनी जीआरपी पुलिस ने न्यू बरौनी जंक्शन पर नियमित चेकिंग के दौरान 70 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी इंस्पेक्टर मनीष कुमार के अनुसार ये कार्रवाई जीआरपी और एएलटीएफ 3 की संयुक्त टीम द्वारा की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल कुमार और छोटू कुमार शामिल हैं, जिनके पास क्रमशः 37 और 34 लीटर शराब मिले हैं। इसके अलावा बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर 36 लीटर लावारिस विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं, जिसे लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि रेल पुलिस शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जब किसी मरीज की मौत होती है तो अक्सर डॉक्टरों और उनके स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर हिंसा की जाती है। कई मामलों में डॉक्टर ऐसा जानबूझकर नहीं करते, ये समझना जरूरी है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज की जान जाए। कानून के अनुसार डॉक्टरों पर हमला करने पर 7 साल की सजा हो सकती है, जबकि धमकी देने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। कानून के अनुसार जानलेवा हमले के मामले में भी 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, इसलिए कभी भी डॉक्टरों पर हिंसात्मक हमले करने से बचें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बचे हुए पात्र लाभुकों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी तेज करने का आदेश दिया है और जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा में 13,48,651 मरीजों का उपचार हुआ है, जिसमें सरकार ने 1650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा मंत्री ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की जल्द शुरुआत की, जिससे 75,070 जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। बिहार ने ओपीडी रजिस्ट्रेशन में स्कैन एंड शेयर प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अस्पतालों में प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। बीते दिन प्रशांत किशोर ने जनसुराज की पार्टी का गठन कर लिया है। पार्टी के पहले नेता मनोज भारती बने हैं। इनका नाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया है। मनोज भारती मधुबनी के रहने वाले हैं और दलित जाति से अपना संबंध रखते हैं। ये भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। जन स्वराज की पार्टी स्थापना के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले साल मार्च तक नया अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस दौरान प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि वो नेता नहीं बनेंगे। इस पर लोगों ने कहा कि आपके जितना काबिल आदमी कैसे मिलेगा। लोगों की इस प्रतिक्रिया पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मनोज भारती इससे ज्यादा काबिल हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए, मनोज भारती आईआईटी गए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब उनके अध्यक्ष का नाम सामने आएगा तो सब चौंक जाएंगे। नई पार्टी के गठन के साथ ही बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर इस साल होने वाले उपचुनाव
लड़ने का भी प्रशांत कसो ने ऐलान किया है। पार्टी बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। आगामी नवंबर महीने में ये उपचुनाव होने की संभावना है। बीते दिन दरभंगा के गौरा बोराम प्रखंड में सम्राट चौधरी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहत कार्य की व्यवस्था देख नाराजगी जाहिर की, साथ ही वहां मौजूद बिरौल व गौरा बोराम सीओ को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि आपकी इस व्यवस्था से हम खुश नहीं हैं, आप बाढ़ पीड़ितों पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। साथ ही सम्राट चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शाम तक व्यवस्था में सुधार नहीं की रिपोर्ट नहीं आती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने शुद्ध पेयजल, प्रकाश, दो समय का भोजन और सूखा नाश्ता देने की भी बात कही है। बिहार की सियासत में स्मार्ट मीटर को लेकर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राजद ने स्मार्ट मीटर को खार फेंकने का अभियान शुरू किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे लेकर जन आंदोलन कर रही है। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा से कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि पहले बिजली का बिल 1000 रुपये तक आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर घरों में लगाया गया है तब से 4 से 5 गुना अधिक बिजली बिल आ रहा है। सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में आकर स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है, जो कि पूरी तरह से गरीब विरोधी है। इसलिए कांग्रेस ने सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2 अक्टूबर को दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों को टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। वे पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। इससे पहले कपिल देव टेस्ट गेंदबाजों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले भारतीय तेज गेंदबाज थे। इसके अलावा बता दें कि आज से वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज होने जा रहा है। 4 अक्टूबर से भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। ये मुकाबला UAE के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1831 में मैसूर पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1880 में पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शकुंतल का पुणे में भी मंचन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन वर्ष 1978 में कलकत्ता में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1984 में भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1992 में गीत सेठी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। आज के दिन वर्ष 1994 में भारत ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया था। 2000 रुपये के नोट को चलन से हटाने की घोषणा RBI ने करीब 1.5 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन अभी तक 2000 के पूरे नोट मार्केट से वापस नहीं आए हैं। RBI से मिली जानकारी के मुताबिक 2000 रुपये के 98% नोट ही बैंक में वापस आए हैं। अभी भी 7,117 करोड़ रुपये के नोट लोगों के पास हैं। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 रुपये के 98% बैंक नोट वापस आ गए हैं। 2000 रुपये के बैंक नोट को जमा करने या करने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक देश के सभी बैंक के ब्रांच में उपलब्ध थी। आपके अनुसार 2000 रुपए के नोट को चलन से हटाना कितना सही था या नहीं? बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है बिरजू कुमार, राजेंद्र कुमार, नुनू गोलू कुमार, शंकर कुमार चौधरी, मोतीलाल कुमार, कृष्णा प्रसाद, सुहाना अली खान, शेख साहब, छोटू राजा, जयप्रकाश चौधरी, परशुराम सिंह, राजू कुमार, कमलावती कुमारी, उत्तम कुमार, आलोक प्रियदर्शी, मुकेश गिरी, रविंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से स्मार्ट मीटर पर हो रहे सियासत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।